महाराष्ट्र में धीरे धीरे खत्म होगा लॉकडाउन। लोकल ट्रेनों में 15 जून तक आम लोगों को सफर की इजाजत नहीं। रेड जोन में अभी कोई नरमी नहीं। आदाब, मैं अफीजा बानू, लंत्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कई शहरों और जिलों में कोरोना का असर दिन ब दिन कम होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत ने वहां पर धीरे धीरे लॉकडाउन में नरमी किए जाने के बारे में फैसला किया है और 1 जून के बाद वहां पर किस तरह लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए इस पर वो गौर करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 स्टेप्स में ऐसे शहरों में लॉकडाउन खत्म होगा, मगर महाराष्ट्र के 14 जिलों में कोरोना का असर कम होता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये शहर रेड जोन में ही शामिल रहेंगे और यहाँ पर किस तरह की कोई डील नहीं दी जाएगी। लोकल ट्रेनों के दोबारा शुरू किए जाने के बारे में बताते हुए कैबिनेट मिनिस्टर विजय विदितवार ने कहा कि फिलहाल 15 जून तक आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ट्रेनों में सफर की इजाजत ना देने की वजह से मुंबई में कोरोना का असर काफी हद तक कम हुआ है। अब मुंबई के लोगों को चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों के लिए वो भीड़ भाड़ करने पर काबू करें, क्योंकि दूसरी लहर का असर कम हो रहा है और अगर लोगों ने साथ दिया तो बहुत जल्द कोरोना खत्म भी हो सकता है। फिलहाल तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 4 स्टेप्स में 30 जून तक लॉकडाउन में नरमी किए जाने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि 1 जून को कुछ बातों पर पाबंदियां खत्म करने के लिए वो तैयार है। बस रेड जोन वाले इलाकों और शहरों में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन कम किए जाने या खत्म किए जाने का फैसला वहां के मरीजों की तादाद को देखते हुए किया जाएगा। इसका जायजा हम आने वाले 5-6 दिनों में करेंगे। इसी बीच मुंबई और पुणे के व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की धमकी दी है कि अगर उनके ताल्लुक से कुछ फैसला नहीं किया गया तो वो 1 जून के बाद अपने कारोबार शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी कारोबार और हमारे हालत के बारे में भी सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज़, मुंबई।